नेम प्लेट के बाद वाराणसी में मीट की शॉप बंद करने का आदेश, नगर निगम ने सर्कुलर किया जारी। एक घंटा पहले डिटेक्ट हो गई थी ट्रैक की गड़बड़ी, जेई को बताया भी गया लेकिन जेई ने नहीं की किसी भी सावधानी की घोषणा। बलिया में थाने के सामने युवक को उतारा मौत के घाट, प्रदेश भर में लगातार हो रही हत्याएं, बेखौफ बदमाशों के हौसले सातवें आसमान पर। दबंगों ने पुलिस को बंधक बनाकर छीनी उनकी पिस्टल, जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। कानून की धज्जियां उड़ाते बदमाश, दबंगों ने युवक को सरेआम पीटा, पश्चिम से पूर्वांचल तक खुलेआम क्राइम। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा अली और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जानते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर। नेम प्लेट के फैसले का जयंत चौधरी ने किया विरोध, धर्म और जाति देख कर कोई सेवा नहीं लेता, बोले जयंत। अब भी वक्त है सरकार फैसला वापस ले, जयंत चौधरी का बयान आया सामने। अब कुर्ते पर भी नाम लिखे क्या, जयंत चौधरी ने पूछा सवाल। नेम प्लेट के फैसले का जयंत चौधरी ने किया विरोध, वफादार है उनकी, वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे हैं, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो तो आपने उनके नेताओं को इस बार मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे। नेम प्लेट के फैसले का जयंत चौधरी ने किया विरोध, बड़ी खबर आई सामने। धर्म और जाति देख कर कोई सेवा नहीं लेता, जयंत बोले। अब भी वक्त है सरकार फैसला वापस ले, जयंत। अब कुर्ते पर भी क्या नाम लिखना होगा, जयंत ने पूछा क्वेश्चन। नेम प्लेट के फैसले का जयंत चौधरी ने विरोध किया है, धर्म और जाति देख कर कोई सेवा नहीं लेता। अब भी वक्त है सरकार अपना फैसला वापस ले। राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे इस टाइम जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। आपसे पूछना चाहेंगे, जो नेम प्लेट का ये विवाद चल रहा है, यहाँ पर जो अभी एक बड़ा बयान सामने आया है, क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो इसको शुरू में ही हम सहमत नहीं है और आज हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने भी कहा। देखिए, जाति और धर्म की बात लेकर के कांवड़ यात्रा पे के नाम पर केवल कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए नियम बनाया जाए तो गलत है। अगर आप कांवड़ यात्रियों की स्वच्छता चाहते हैं, कांवड़ यात्रियों की स्वच्छता बनाए रखना चाहते हैं तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर हरिद्वार से लेकर के जहां तक भी कांवड़ यात्रा जाती है या उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में भी कांवड़ यात्रा जाती है, मैं तो ये कहूंगा कि देश भर के सारे जहां भी कांवड़ की यात्रा चलती है उन मार्गों पर जो है सभी जगह पर जो भी दुकानें पड़े उन पर ये लिखवा दीजिए कि ये शाकाहारी है कि ये मांसाहारी है। लेकिन अब उस पर आप जात की, धर्म की, कर्मचारियों की जात या धर्म लिखा करके, तो ये तो गंगा जमुनी तहजीब शुरू से रही है। कोई कांवड़ यात्री ये हमेशा से ये जानते हैं कि कहा क्या उनके लिए उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ पर शाकाहारी है, कहाँ पर मांसाहारी है, तो वो स्वयं इतने जागरूक है और उनको दुकानों पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हरिद्वार से जब वो गंगोत्री से गोमुख से गंगा जल लेकर के निकलते हैं तो यात्रा मार्गों पर हिंदू मुस्लिम सभी उनकी सेवा करते हैं, सभी लोग प्याऊ लगाते हैं,
सभी लोग उनका फलाहार कराते हैं, भंडारे कराते हैं, तो उसमें ऐसे में प्रशासन की द्वारा अगर इस तरह की जोर जबरदस्ती की जा रही है, गलत है। हमारी सरकार से हम लोगों ने मांग की है, अपने नेता से भी कहा है, और हमें उम्मीद है कि योगी जी ने जैसे लखनऊ में पंतनगर की, रहीम नगर की, यहाँ पर जो बुलडोजर की से लोग जो मकान चिन्हित कराए थे कि गिराने के लिए, उन्होंने देखिए समीक्षा की और उस पर निर्णय लिया। हमें उम्मीद है कि वो फिर से प्रशासन द्वारा लिए गए इस निर्णय पर समीक्षा करके वापस लेंगे। लेकिन अनिल दुबे जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो कावड़ यात्रा कि में रास्ते में जो दुकानें लगती हैं, वहां पर दुकानदारों को कोई एतराज नहीं है, ऐसा प्रवक्ता ने जब बात की थी तो उन्हें बताया गया, उन्होंने नाम लगाना चालू भी कर दिए। हम थोड़े कह रहे हैं कि दुकानदार तो स्वेच्छा से अपने नाम लिखा ही करते हैं, लेकिन अब फल का ठेला लगाने वाला, पटरी पर दुकान लगाने वाला, वो कहाँ बोर्ड लेके घूमेगा? अब तो उसके खिलाफ है। आप धर्म लिखवा रहे हो, जात लिखवा रहे हो, कोई किसी की सेवा कर रहा है। और लखनऊ में परंपरा रही है, नवाबों ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया था, नवाबों ने भंडारे की प्रचलन प्रथा शुरू कराई थी, आज तक वो प्रथा चल रही है ना। जी अनिल दुबे जी, अभी के लिए आपको धन्यवाद कहेंगे, शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, जयंत चौधरी का जो कि आरएलडी से इस वक्त बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर जो आदेश जारी हुए थे उस पर उन्होंने अपना जो है यहाँ पर विरोध जताया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए शहबाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, कावड़ यात्रा आदेश को लेकर के दिन प्रतिदिन कोई ना कोई इस पर नए बयान आ रहे हैं और आज जयंत चौधरी ने भी इसका विरोध जताया है, क्या कहेंगे? यात्रा पर जिस तरीके की सियासत पूरे यूपी में इस वक्त एक नया मोड़ ले चुकी है, जिस वक्त यूपी सरकार ने यह आदेश जारी किया कि कावड़ रूट पर सबको अपने नाम लिखने होंगे, उसके बाद से सियासत जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर विरोध जताया था, लेकिन सबसे पहले अगर एनडीए के सहयोगियों दल की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आरएलडी कूदती हुई नजर आई थी, और ये मामला पश्चिम से जुड़ा है, इसलिए पश्चिम की सियासत को आरएलडी कहीं ना कहीं डगमगाते देखना नहीं चाहती। उसके साथ सहयोगी दल, बीजेपी के साथ सहयोगी दल बनी हुई है आरएलडी, इस वजह से आरएलडी इस मुद्दे का विरोध करती शुरुआत से ही नजर आ रही है। और आरएलडी के जो प्रदेश के प्रवक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है रामाशीष, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके सरकार के इस आदेश की, जो पूरा आदेश दिया था उसमें कहीं ना कहीं पूरा उन्होंने नाराजगी जताई थी। उसके बाद से चंदन चौहान जो आरएलडी के सांसद थे उन्होंने भी विरोध जताया, और आज जो बैठक बुलाई गई है बजट से पहले सर्वदलीय, उस बैठक में जयंत चौधरी ने खुलकर इस मुखालफत करी है इस आदेश की सरकार के, जो सरकार ने आदेश लिया है कि कावड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उस पर जो है नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। सरकार जहां इसको आस्था से जोड़ रही है, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष और उसके तमाम जितने भी योगी दल एनडीए के कह लीजिए, वो इसको कहीं ना कहीं समाज के बंटवारे के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अगला क्वेश्चन हम आपसे ये चाहते हैं कि आरएलडी, जैसे कि आपको पता है कि एनडीए का ही संगठन कहा जाता है, लेकिन क्या वो अपने ही संगठन से यहाँ पे नाखुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ आरएलडी ही नहीं, बल्कि आप बिहार चले जाइए, वहाँ जेडीयू जो सबसे बड़ा सहयोगी दल बिहार में बनकर सामने आया है और बिहार में साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा, 12-12 सीटें दोनों की बराबरी से आई है, और उसने भी इसका खुलकर मुखालफत करी सरकार के इस आदेश की। और चाहे फिर वो चिराग पासवान हो, जिन्होंने 5 की 5 सीट इस बार जीत कर हलचल मचा दी बिहार में, उन्होंने भी खुलकर विरोध किया। तो लगातार एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार, यूपी सरकार के इस आदेश, इस फरमान का साथ देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए, आरएलडी इस मुद्दे पर मुखर होकर इसलिए बोल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक इस आदेश के तहे प्रभावित हो सकता है, खासकर मुजफ्फरनगर और उसके शामली, बागपत, बड़ौत, ये जितने भी एरिया हैं, खासकर आरएलडी के आरएलडी यहाँ पर अपना खासा दबदबा हमेशा बनाती चली आ रही है, और
अजीत सिंह के टाइम से आरएलडी ने इन्हीं चार पांच जिलों में अपनी सियासत को धार दिया है, और ऐसे में ये मुद्दा पश्चिम यूपी में क्या मोड़ ला सकता है ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए आरएलडी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं खुलकर विरोध करती नजर आ रही है। और आज जिस चीज का यूपी सरकार को डर था वही हुआ, जयंत चौधरी खुलकर इस मुद्दे पर बोलते नजर आ रहे हैं। जो कहीं ना कहीं खामोशी से ट्वीट किया जा रहा था वो आज खुलकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बाइट दी, ये बोला, ये बयान दिया कि सरकार को इस फैसले का विरोध वापस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज के बंटवारे जैसा है। जी, अगला क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे ये करना चाहते हैं कि जिस तरह से जब से ये आदेश जारी हुआ है कांवड़ यात्रा पर लगातार विरोध कोई ना कोई कर ही रहा है, मामला तूल पकड़ रहा है, क्या लगता है ये आदेश वापस हो सकता है? देखिए, योगी सरकार जो है वो सख्त आदेशों के लिए ही शुरुआत 2017 से ही जानी जाती है। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली थी उसके बाद एक से बढ़कर एक आदेश उन्होंने दिए और उसका खुलकर विरोध भी कहीं ना कहीं पक्ष से लेकर विपक्ष सबने किया, चाहे एनडीए के सहयोगी दल रहे हों, उस तरीके के आदेशों की पहले भी मुखालफत हो चुकी है। लेकिन योगी जी जो हैं वो सरकार, योगी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने आदेशों को वापस लेती नहीं है और अपने फैसलों पर हमेशा डिगी भी दिखाई देती है। चाहे वो अभी हाल ही में हमने अकबरनगर की बुलडोजर कार्रवाई देखी हो या इससे पहले कई ऐसे फैसले रहे हों जिस पर सरकार बैकफुट पे होती दिखाई नहीं दी गई, बल्कि उन पर दबाव बहुत बनाया गया लेकिन वो दबाव काम नहीं आया। और योगी सरकार जो है वो खुलकर आदेश देती है और खुलकर उसके साथ खड़ी होती दिखाई देती है। हालांकि कांवड़ यात्रा और ये कांवड़ रूट, जिस तरीके से ये नाम वाली जो सियासत चल रही है, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। देखना ये होगा कि आने वाले 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, क्या इस चुनाव से पहले सरकार कोई आदेश वापस ले सकती है? हो सकता है चुनाव के नजरिए से, हो सकता है सरकार को बैकफुट पे आना पड़े, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल जितने भी हैं वो भी कह रहे हैं एक बार सोचे सरकार, इस फैसले पर विचार विमर्श करे और ये जो फैसला दिया है उसको वापस ले। आरएलडी के इस तरफ बयान से क्या लगता है आपको, एनडीए में आगे खटास पैदा हो सकती है? खटास बिल्कुल पैदा हो सकती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। आरएलडी अभी तक हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती दिखाई दे रही थी, जितने भी फैसले योगी सरकार ले रही थी उनके साथ खड़ी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो वोट बैंक पर खासा असर डालता है और ये मुद्दा हमेशा से सेंसिटिव रहा है। चाहे मुजफ्फरनगर में जब भी कांवड़ यात्रा निकली हो, ऐसे मुद्दे हमेशा उठते चले आ रहे हैं साल 2006 मुलायम सिंह की सरकार से लेकर और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार 2024 में हम देख रहे हैं। तो 2006 से लेकर 2024 तक कांवड़ यात्रा को लेकर वहां की सियासत आज भी वैसी है जैसी साल 2006 में थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शहबाज जी। जी हाँ, तो फिर यहाँ बात हो रही थी नेम प्लेट के फैसले का, जयंत चौधरी ने यहाँ पर विरोध किया है और आज एनडीए के ही ये संगठन कहे जाते हैं, इनका इस तरह से विरोध करना कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस को हवा दे रहा है।